शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा चला रहे मोदी रसोई, मिल रही गरीबों को राहत, महिला बच्चे एवं बुजुर्ग की आत्मा को मिल रही तृप्ति, दिल से दे रहे विधायक को धन्यवाद। सारण जिला अमनौर विधानसभा इन दिनों सारण में बाढ़ को लेकर काफी चर्चा में है, और चर्चा भी क्यों न हो, यहाँ के विधायक ने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए खोल दिया है मोदी रसोई। बताते चले कि अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा ने अपने आवास पर चला रहे मोदी रसोई, क्षेत्र के गरीब गुरबा बाढ़ पीड़ित लोगों को मिल रही राहत, साथ ही उनके द्वारा सामग्री को पैक कर प्रत्येक दिन किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर किया जाता है वितरण। बताते चलें कि जिस तरह से सारण में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है, उसको देखते हुए अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने अपने आवास पर मोदी रसोई आरंभ की है, जिसमें क्षेत्र की बाढ़ पीड़ित महिला बच्चे बुजुर्ग प्रत्येक दिन आकर भोजन करते हैं। इस काम में विधायक स्वयं लोगों को भोजन कराते नजर आए। विधायक का कहना है कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के हर लोगों को जरूरत का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक दिन विधायक आवास पर मोदी रसोई में 1000 से 1500 व्यक्ति प्रत्येक दिन भोजन करते हैं। इनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निडरता से जाकर डंडे के सहारे, कभी नाव के सहारे लोगों के आवास पास पहुंचना, चूड़ा मीठा बिस्किट का पैकेट, कभी ब्रेड देना उनकी फितरत बन गई है। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी पूरी निष्ठा के साथ बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें राकेश सिंह भाजपा नेता, संतोष गुप्ता एवं कई लोग रहते हैं। साथ बाढ़ एवं कोरोना काल में उनकी भूमिका किस रूप में बनी है, इसको लेकर हमारे जिला संवाददाता मनोज कुमार सिंह से अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा एवं भाजपा नेता संतोष गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बाढ़ और कोरोना से लोग हैं परेशान। अभी मैं सारण जिला के अमनौर विधानसभा स्थित यहाँ के वर्तमान विधायक शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा के आवास पर आया हूँ, और ये ऐसे विधायक हैं जो विगत 4.5 वर्षों में विकास से संबंधित कई योजनाओं को किया, कार्यों को किया, लोगों के बीच मदद भी पहुँचाएं, जो कि पेपरों में सुर्खियों बने रहे। आइए बात करते हैं कि अभी जो है इस बाढ़ की स्थिति में इनके द्वारा इनके निजी फंड से एक कार्यक्रम भोजन संबंधित चलाया जा रहा है, जिसका नाम मोदी रसोई रखा गया है। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर इनका यह काम चल रहा है। आइए बात करते हैं कि कितना सफल रहा और कितने दिनों से यह कार्य चल रहा है। पहले तो बाबा जी नमस्कार, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए। बाबा जी बताया जाए कि यह कितने दिन से आपकी योजना चल रही है मोदी रसोई? 4 तारीख से मोदी रसोई सह भोजन पैकेट का काम चल रहा है। इस कार्य को आपके मन में यह कैसे विचार आया कि इस तरह का कार्य मैं शुरू करूं? 3 तारीख को जिन में था वहाँ शायद बाढ़ हमारे क्षेत्र में पहुंच गया था, और हमारे यहाँ अंदर से मैं शिव का गुरु है, अंदर से जागृति पैदा हुआ कि मोदी रसोई और सब पैकेट का काम हो। उसी दिन 3 बजे रात को मैं दुकान पर फोन किया और सारा सामान सुबह में मंगवाया, और उसी दिन से रसोई मोदी रसोई सह भोजन पैकेट का वितरण हमें स्टार्ट किया। इससे पहले लोग कोरोना से भी जूझते रहे हैं, कोरोना काल में आपने किस तरह का कार्य किया और क्या क्या वितरण कराया? कोरोना में फर्स्ट बार लगभग 1 महीना तक घर पर रहे, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन अपने भी बना अपने, लेकिन वो हमको बहुत घुटन महसूस हुआ, इतना घुटन महसूस हुआ जिसका जवाब नहीं। ऊपर से भी खबर मिल रहा था ये कहीं नहीं आना जाना है। 1 महीना तो मुझे जेब के सामान हम रहे, उसके बाद हम मास्क सैनिटाइजर लेकर और हर दलित समुदाय वर्ग में जाते थे और सबको वितरण किया है। लगभग 25,000 कैसे रख रखाव रहना है, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के बारे में जनता को अवगत कराएं आप? साफ सफाई के लिए उसके साथ साथ साबुन भी देते थे और समझाते थे कि आप लोग अपना को सेफ रहिए और बार बार साबुन से हाथ धोइए, कम से कम 30 सेकंड जरूर हाथ धोइए और साफ सफाई रहिए, सब बच्चा को, सब पूरे परिवार को
टाइमली स्नान ध्यान कराकर और साफ सफाई उसमें सबसे अनिवार्य है। क्या यही वजह रहा कि अमनौर में बहुत कम लोग इससे ग्रसित रहे? जी ये तो यही कारण है कि अमनौर में बहुत कम ग्रसित हुआ है। उसके बाद पुनः आपदा आई, बाढ़ की स्थिति दयनीय होती चली गई, अमनौर के पूरे विधानसभा में बाढ़ की स्थिति बन गई। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या क्या पहल किया गया और लोगों को क्या क्या सामग्री उपलब्ध कराई? मैं डीएम के यहाँ पत्र लिखकर सूचित किया, नाव का, एनडीआरएफ का और हमारे कहने से त्वरित कार्रवाई किए और मैं भी जहाँ जाने पानी था वहाँ नाव से भी गए थे, त्रिपाल लेकर त्रिपाल भी बांटे हैं, कहीं कहीं ट्रैक्टर से भी गए थे और जाकर सभी गरीब गुरबा में भोजन सामग्री सूखा मैंने चूड़ा मीठा ये भी दिए थे, पूरी बुनिया सब्जी दिए हैं और त्रिपाल दिए हैं। अभी तक लगभग 2300 त्रिपाल हम वितरण कर दिए हैं और डेली 50 त्रिपाल हमारे घर से डेली लौट जाता है। अभी जो आपका मोदी रसोई चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसमें प्रत्येक दिन कितने लोग भोजन कर लेते हैं? पहले जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट जब हुआ तो मुश्किल से 400-450 शुरू में आया और दूसरे दिन मोटा मोटी 700-800 आया और लगातार तीसरे दिन से 1000 से अधिक लोग आ रहा है, लगभग 1500, एक दिन 2000 भी आ गया, इसी तरह चल रहा है। अभी यह मिशन आपका कब तक चलता रहेगा? यह जब तक दहाड़ रहेगा तब तक यह मिशन चलता रहेगा। कल जो है आपकी पार्टी की ओर से भी कुछ बैठक रखी गई थी, उस बैठक में अमनौर विधानसभा के सभी बूथ स्तर से लेके मेम्बरान आए हुए थे और आपने भी उस सभा में भाग लिया और एक महिला भी बाहर से आई थी, यह किस तरह का मीटिंग था? लोगों को जागरूक करने हेतु या बाढ़ से बचाने हेतु? बाढ़ से बचाने हेतु भी था और सामने चुनाव है, उस चुनाव के रणनीति बनाने के लिए। बाढ़ की स्थिति में आपने किस तरह, इतने विगत संकट के दौरान आपने किस तरह से कार्य किया, जहाँ बाढ़ क्षेत्र है वहाँ? सबसे पहले बाढ़ में धुवाई गांव से स्टार्ट किया, धुवाई में गया तो इतना रफ्तार था पानी का, वहाँ का सारा लोग हमको मना किए कि नहीं आपको नहीं जाना है और हमारे गुरु शिव है उसे हमारा अपना किए तो वो आदेश दिए कि नहीं जाए, उसी जगह पर अपना कुर्ता पैजामा खोल कर और एक टी शर्ट लगा लिए और हाथ पैंट को शिव जी का नाम लेकर उसमें चले गए। मात्र 2 से 3 आदमी हमारे साथ में गया, टोटल कर कर पीछे रह गया, बहुत बेजोर धान था। जैसे कहीं का ट्रैक्टर जाता था और जहाँ नहीं जाता था वहाँ कैसे लोगों तक राहत सामग्री, कहीं नाव से भी गया है, जैसे सबसे ज़्यादा पानी था लगुनिया गाँव, मुख्य तो घर के लगुनिया गाँव है, उसमें पानी बहुत अधिक था, 2-3 कोसा पानी था, वहाँ नाव के द्वारा पहुँचे, वहाँ चीरा मीठा पाव बूढ़ पूर्णिया को साड़ी भी लेकर गए और ब्रेड पाव रोटी बिस्कुट वगैरह लेकर जाकर वहाँ वितरण किया। जी मैं अभी बात कर रहा था अमनौर के विधायक शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा, जो कि इस आपदा में अपनी ओर से काफी राहत सामग्री लोगों के बीच में बांटे हैं और यह लगातार इनका यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि यहाँ के विधायक जो है कितने दिनों तक अपने कार्यों को चलाएंगे और लोगों के बीच में इनका एक व्यक्तित्व बना हुआ है वह कितना दिनों तक रहेगा। अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा के आवास पर लगातार मोदी रसोई चल रहा है, इसमें आप कार्यकर्ताओं का भी अहम रोल है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जब से बाढ़ आया है उसके पहले ही से, जब से लॉकडाउन था कोरोना के चलते, उसी समय से विधायक जी के हम लोग सहयोग में हैं, जहाँ जहाँ विधायक जी बोल रहे हैं वहाँ हम लोग खुद जाकर लोगों को मैंने सहायता पहुँचा रहे हैं। उसके बाद में विधायक जी अपने आवास पर मोदी रसोई चालू किए, उसमें हम लोग हर एक दिन आकर लोगों को भोजन कराते हैं, उसके बाद में पॉकेट बनवा कर बाढ़ पीड़ितों के घर घर पहुंचाया जाता है, उसमें विधायक जी और हम लोग सब कार्यकर्ता उनका सहयोग करते हैं। लगभग कितने दिन से यह मोदी रसोई चल रहा है और कितने दिनों तक आप लोग इस कार्य में लगे रहे? मोदी रसोई लगभग मान के चलिए 3 या 4 तारीख से चल रहा है, अगस्त में जो भी लगातार चल रहा है, जब तक बाढ़ की रहेगा, जब तक बाढ़ मैंने रहेगी उस समय तक मैंने लोगों का यहाँ पहुँचना जारी रहेगा, तब तक मैंने मोदी रसोई
चलता रहेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका और किस पद पे? संतोष कुमार गुप्ता, युवा अध्यक्ष अमनौर उत्तरी मंडल, भाजपा। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।